अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं दानिश जावेद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करता हूं हमारे प्रोग्राम हालात में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम हालात में हमेशा उन सेंसिटिव टॉपिक्स और इश्यूज को उठाते हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक हमारे समाज और समाज के हालात से है। इसी तरह आज हमने एक टॉपिक लिया है, रोल ऑफ मीडिया इन आर सोसाइटी। और इस टॉपिक पर हमारे साथ मौजूद है श्री कमलेश पांडे जी, हिंदुस्तान में जी टीवी के साथ सैटेलाइट टीवी की शुरुआत करने वाले श्री कमलेश पांडे जी आज फिल्म राइटर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं और वाइस क्राफ्ट फेडरेशन के सदर हैं। मैं कमलेश पांडे जी आपका स्वागत करता हूं। शुक्रिया दानिश। दोस्तों, हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं अशरफ करीम साहब। अशरफ करीम साहब सहारा समय के ब्यूरो चीफ हैं महाराष्ट्र के और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अशरफ करीम साहब, आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया, आदाब। हमारे साथ आज हमेशा की तरह जैद खालिद पटेल साहब हैं, इस्लामिक स्पीकर, जिन्हें आप और हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जैद भाई, आपका इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कमले जी, आप हमारे मीडिया के सबसे सीनियर लोगों में से हैं जो हिंदुस्तान में सैटेलाइट टीवी को लेके आए। आपने हिंदुस्तान में जी टीवी के साथ सैटेलाइट टीवी को इंट्रोड्यूस किया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एन अ वेरी वेरी ब्रॉडर यू से प्रॉस्पेक्ट, वी यूज टू कॉल मीडिया, हम मीडिया पुकारते हैं, लेकिन मीडिया में हमारी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, एडवर्टाइजिंग, कोरिलेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी। बट एग्जैक्टली अगर हम मीडिया को डिफाइन करने के लिए बोलें तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? मीडिया जो है वो एक खुराक है। जैसे हम खाना खाते हैं वो हमारे पेट की खुराक है, मीडिया हमारी आँखों और कान से हमारे अंदर जाता है, और ये खुराक जो है पेट की खुराक से भी ज़्यादा अहम है, क्योंकि पेट की खुराक सिर्फ हमारी सेहत पर असर करती है, मगर जो मीडिया के नाम की खुराक जो है वो हमारे अंदर जाती है, कि हमारे सोच, हमारे सरोकार, हमारे एहसास, हमारे जज्बात, हमारी सारी जो एक इमोशनल मेंटल जो हमारा मेकअप है वो सबको डिफाइन करती है। आज हम जो भी हैं, हमारी जो भी पर्सनैलिटी है, उसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, बड़ा अहम हाथ है, और इसीलिए मीडिया का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये कोई बड़े ताज्जुब की बात नहीं है कि हमारे संविधान में मीडिया को चौथा खंभा कहा गया है। कार्यपालिका, विधानिका और न्यायपालिका के बाद चौथा खंभा मीडिया है। इतनी अहम जगह दी है मीडिया को हमारे संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो जाहिर है कि मीडिया हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, अहम है, हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का, बल्कि हवा पानी की तरह हमारे घरों में रोज आता है। नल खोला, पानी आता है, टीवी ऑन किया, मीडिया आ जाता है। मगर मुश्किल ये है कि जैसे खाने के मामले हम बड़ा ख्याल रखते, फिक्र करते हैं कि हम क्या खा रहे हैं, उसमें साफ़ सफाई कितनी है, वो शुद्ध है कि नहीं है, पानी शुद्ध है कि नहीं है, छान कर पीते हैं, उबाल कर पीते हैं, खाने की एक चीज़ चुन चुन के हमारे घर की महिलाएं जो हैं वो खाना बनाती हैं, क्या हम मीडिया के साथ भी इतनी सावधानी बरतते हैं? क्या हम मीडिया के साथ भी उस साफ़ सफाई का ख्याल रखते हैं कि जो हमारे अंदर जा रहा है हमारी आँखों और कान से, वो हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है या नहीं है? वो हमें कैसे संस्कार दे रहा है? वो हमारी सोच को कैसे बदल रहा है? और इसीलिए मीडिया जितनी बड़ी ताकत बन सकता है उतना ही बड़ा खतरा भी बन सकता है, क्योंकि मीडिया का काम है कि एक समाज को, देश को जागरूक, सतर्क, विवेकशील और सक्षम बनाए। मगर जो मीडिया बना रहा है आज जो हम देखते हैं वो बड़े सोच की बात है और बड़े बड़े खौफ की बात है, एक्चुअली जहाँ मैं कहूँ कि खौफ की बात। तो इसलिए ये बड़ा अहम विषय आपने लिया, सब्जेक्ट लिया, कि मीडिया का रोल क्या है समाज में, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। मीडिया कमलेश जी के मुताबिक एक खुराक है। मीडिया जितना सशक्त, जितना ताकतवर है उतना ही खतरनाक भी है। अशरफ करीम साहब, ये डायरेक्ट अटैक आपकी तरफ हो रहा है, आप इसके किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और नाजरीन को भी पता है कि मीडिया मीडियम है लोगों तक पहुँचने, लोगों को कनेक्ट करने का। अब आपकी एक सोच हो सकती है, मैं तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं खबरों की बात कर सकता, लेकिन आप जिस मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ एक शख्स की एक सोच है, उसने समाज के बारे में कोई चीज़ सोची हो, लेकिन वो तो सिर्फ उस इंडिविजुअल तक ही रह जाएगा। सोच अच्छी हो या बुरी हो, वो तब तक लोगों तक नहीं पहुँच सकती जब तक मीडिया शामिल ना हो। तो मीडिया मीडियम है लोगों तक पहुँचने का। अब यूं भी कह सकते हैं कि वो एक तरह से समाज का आईना है, और वो आईना दिखाते रहना चाहिए समाज को, ताकि वो अपने बारे में भी सोच सके, उस समाज के बारे में भी सोच सके, जो अच्छाइयां हैं वो अपना ले और बुराइयों को छोड़े।
बहुत जल्दी से मैं आपके पास आता हूँ। बहुत अच्छी आपने बात कही और बड़ा अच्छा सवाल यहाँ उठता है कि समाज का आईना मीडिया है या समाज की दशा और दिशा तय करता है मीडिया। एक बड़ा अहम सवाल है, उससे पहले एक इंट्रोडक्टरी कमेंट लेते हैं हमारे मेहमान जैद खालिद भाई से। जैद भाई, आप मीडिया को किस अंदाज से देखते हैं और मजहब इस्लाम मीडिया को किस अंदाज से देखता है और मीडिया की गुंजाइश किस हद तक मजहब में मौजूद है? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिही व सहाबीही अजमईन, अम्मा बाद। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, इन्ना मिन अशरातिस साआ अन यज़हर अल क़लम। मुस्नद अहमद में सही सनद से है कि क़यामत की निशानियों में से है कि कलम ज़ाहिर हो जाएगी, मतलब बहुत कॉमन हो जाएगी। अब कलम का मतलब सिर्फ ये कलम नहीं, डिजिटल कलम भी है और कैमरा में भी जो राइट कर रहा है डेटा ऑन द डिस्क या ऑन द कार्ड या ऑन द टेप, तो ये भी एक टाइप की कलम है। तो हम देखते हैं कि ये एक प्रोफेसी है कि इस तरह का एक मीडिया आम हो जाएगा। हम देखते हैं कि सन 1804 की बात है, पहली बार दुनिया की पॉपुलेशन 100 करोड़ पहुंची 1804 में। 2015 में हम है वर्ल्ड की पॉपुलेशन तकरीबन 712.5 करोड़ है, 100 से 700 करोड़ का फासला सिर्फ 200 साल के गैप में हुआ। अब हम देखते हैं कि ये जो पीरियड में इतने सारे इंसान पैदा हुए, इतने सारे इंसान जो बढ़ गए दुनिया में, ये अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर तो नहीं हुए। और जिस अल्लाह ने इतने सारे इंसानों को इस पीरियड में बनाया, हम देखते हैं इसी पीरियड में जो मीडिया का उरूज भी हुआ और जो इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस मीडिया लोगों के दिलो दिमाग पर करती है, ये इस पीरियड में बहुत ज़्यादा है। जैसे एक ज़माना था जिस ज़माने में बादशाह का मज़हब अवाम का मज़हब हुआ करता था, लेकिन आज हम देखते हैं कि किस तरह से लोगों के दिमाग को कंट्रोल किया जाता है, वो है मीडिया के ज़रिए। आज वो टाइप की बादशाह वाली गुलामी तो नहीं है, लेकिन आज एक दूसरी टाइप की गुलामी आ गई है जिसके अंदर लोग जो देखते हैं उसे मानते हैं, क्योंकि बार 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 जब एक चीज़ को देखेंगे वो चीज़ को मानने लगेंगे। ऑफकोर्स बात तो बिल्कुल सही है कि मीडिया का सही इस्तेमाल भी हो सकता है और गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। इस्लाम ने मीडिया की इजाज़त तो दी है, ऑफकोर्स सही इस्तेमाल की इजाज़त दी है। चलिए मैं आपके गलत पास इस्तेमाल की इजाज़त इसी सवाल मैं आपके पास इस सवाल के साथ आता हूँ लौट के। पहले मैं कमलेश जी के पास जाऊँगा और आपसे सवाल ये करूँगा कि बहुत आम और सतही लेवल पर ये समझा जाता है कि जिस इस्लाम को वो फॉलो कर रहे हैं वहाँ पर ये कैमरा नाम की चीज़ या तस्वीर नाम की चीज़ कुछ हराम है या ऐसा कुछ है, ऐसा एक इंप्रेशन मिलता है। मैं आपसे वजाहत चाहूँगा इस पर। उससे पहले मैं कमलेश जी के पास आता हूँ। कमलेश जी, अशरफ करीम साहब ने एक बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि कहा कि मीडिया मीडियम है, तो यहाँ बड़ा एक अच्छा सवाल ये उठता है कि क्या मीडिया समाज को बनाता है या मीडिया समाज का आईना है? ये एक तो सिर्फ आईना नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं आज की मीडिया की बात कर रहा हूँ जी, आगे के एक समय था जब आईना रहा होगा, आज बिल्कुल नहीं है। और मीडिया की जो दखलंदाजी है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो इस हद तक है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैं दो एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा और ये दोनों सच्ची घटनाएं हैं, कोई मैं नई बात नहीं कह रहा हूँ, सबको मालूम है। जब इलेक्शन होता है तो एक चीज़ होती है पेड न्यूज़, आपको शायद पता होगा या नहीं पता होगा, बहुत अच्छी बात है। और उसका रेट है, उदाहरण के बता रहा हूँ कि 10 लाख अगर आप दें एक टीवी चैनल को, न्यूज़ चैनल को, तो 15 मिनट का फुटेज आपको मिलता है एक्सपोजर, उसके बाद हर अल्टरनेट डे एक एक मिनट आपको मिलते हैं महीने भर तक, और फिर 20 दिन तक स्क्रॉल चलते हैं। ये एग्जैक्ट रेट, ये मुझे स्टेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ जिसने सौदा किया था। ये तो कुछ भी नहीं, मैं एक और ख़तरनाक बता रहा हूँ, एक नया सिलसिला शुरू हुआ है ख़ास तौर से मीडिया हाउसेज में, उसको बोलते हैं प्राइवेट ट्रीटी। प्राइवेट ट्रीटी, ये क्या है प्राइवेट ट्रीटी? हम जानते हैं भाई, माध्यम भी मीडिया भी एक। सर मैं आपको टोक रहा हूँ बीच में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बोली है, इसे अलग से डिस्कस करेंगे, अभी करेंगे। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि भैया, क्योंकि जहाँ तक सवाल है नैतिकता का, असली चीज़ अहम बात है नैतिकता, चाहे वो मीडिया हो, राजनीति हो, हमारे अपनी व्यक्तिगत जिंदगी हो, हर मुकाम पर हर मौके पर नैतिकता बहुत अहम चीज़ है। वो नैतिकता हमारी ज़िंदगी से भी जा रही है और मैं कह रहा हूँ कि मीडिया से भी जा रही है। जो एग्ज़ाम्पल मैंने दिया कि मीडिया बिकाऊ है, अखबारों का एक एक इंच बिकाऊ है, मुझे रेट भी पता है, टीवी चैनलों का एक एक सेकंड बिकाऊ है, मुझे रेट भी पता है क्या भाव चलता है उसका। तो मीडिया बिकाऊ हो गया है, मीडिया व्यवसाय है, तो जो चीज़ बिकाऊ है उसमें नैतिकता की जगह कहाँ है, मोरालिटी की जगह कहाँ है? क्या चाहेंगे कि मैं जवाब दूं? मैं उसी पर आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। पहली बात तो ये कि ये बात इन जनरल हम कर रहे हैं और जनरल ये कर रहे हैं, ये बात से तो मैं इनकी कमलेश पांडे जी की इत्तफाक करूँगा। पिछले कई इलेक्शंस जो मीडिया में रहते हुए मैंने देखे और जो मेरा अपना एक रिएक्शन है वो ये है कि मैं इतनी सच्चाई या इतनी ईमानदारी या इतनी
श्योरिटी के साथ तो नहीं बोल सकता कि ये रेट है, लेकिन अपने अंदाजों की बुनियाद पर बोलता हूँ कि हाँ, और ये भी नहीं बोलता किसी एक चैनल या सब चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मीडिया बिका हुआ ऐसा नज़र आता है। अब आपका रिएक्शन, क्योंकि आप मीडिया में हैं बाकायदगी के साथ, एक टीवी चैनल चला रहे हैं, तो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट चोट आप पे भी होती है, आपकी अपनी क्या राय है आप बताइए कि मीडिया बिका हुआ। सवाल यह है कि मीडिया बिका हुआ है और मिनट दर मिनट, सेकंड दर सेकंड बिकता है। देखिए, ये इल्ज़ाम लगा देना तो बड़ा आसान है, क्योंकि अगर कमलेश जी फिल्मों से ताल्लुक रखते हैं, मैं ये बताऊं कि फिल्मों के बारे में कहा जाता है, अगर किसी फिल्मकार से अदाकार से पूछे तो कहते हैं कि हम इस सोसाइटी को एक मैसेज देते हैं, तो क्या फ्री में दे रहे हैं? आप जानते हैं कि एक फिल्म बनाने में कितना पैसा लगता है और उतना ही पैसा कमाने की होड़ लगी है। सर, तो मैं टोक रहा हूं आपको, एयर टाइम बेचने और कंटेंट बेचने में फर्क है। मैं उसी पे आ रहा हूं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अगर बात करें, कोई अगर राइटर है, वो किताब समाज के लिए लिखता है, पब्लिकेशन हाउस से छपवाता है, तो क्या वो फ्री में बांट दे? पैसे लगेंगे, ठीक है। एक चैनल चल रहा है, एक कारोबार भी है वो। आप इस बात को ना भूलें कि जो जर्नलिस्ट है, क्या उसके पेट नहीं है? वो क्या अपने बीवी बच्चों की परवरिश नहीं करेगा? उसे भी तनख्वाह देनी है। और टाइम स्लॉट प्रोग्रामिंग में अगर आप हैं, आप टेलीविजन से ताल्लुक रखते हैं, तो आपको पता है कि वो जो स्क्रॉल चलता है वो बिकता है, वो आप बुक कराते हैं, टाइम स्लॉट बिकते हैं। अगर आपको टाइम स्लॉट खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं, किसी भी चैनल पे खरीद सकते हैं। और अखबार क्या फ्री में होता है? अखबार के आप 3 रुपए देते हैं या 5 रुपए देते हैं, आपको क्या लगता है कि अखबार 5 रुपए में छपता है? इंक्लूड किया उन्होंने अखबार में, अखबार में भी इंच इंच बिकता है, ये बात सच है, और वो पब्लिकेशन हाउस बेचते हैं। और ये सही है, आप ये कह सकते हैं कि मीडिया में मैनिपुलेशन आ गया है। मेरा वही मतलब, मैनिपुलेशन आ गया है, लेकिन मैनिपुलेशन एक हद तक है, क्योंकि अगर आप प्रिंट में हो या इलेक्ट्रॉनिक में हो, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऑडियो विजुअल माध्यम है वो, आप जो कह रहे हैं वही आपको दिखाना भी होगा और वही सुनाना भी होगा, तो आप उसमें बहुत ज्यादा मैनिपुलेट नहीं कर सकते। और जो लोग बैठे हैं, आप एज ए व्यूअर बैठे हैं, लोग बातों को समझते हैं, वो जानते हैं इसमें सच्चाई क्या है और इसमें मैनिपुलेट क्या किया गया है। लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, जैसे इस वक्त हम लोग बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं या आप एयर करेंगे, ये झूठ नहीं होगा। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती कमलेश जी, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, लेकिन मैं एक और प्रोस्पेक्ट देख रहा हूँ, और वो ये, अगर हम प्रिंट मीडिया से शुरू करें बात को, तो तीसरे पेज की खबर अगर मैं आपसे पैसे लेके फ्रंट पेज की न्यूज़ बना दूँ, जैसे अभी पिछले दिनों हमने देखी भी है, तीसरे या चौथे या पांचवें पेज की खबर, जो खबर है जो सच्ची है, उसमें एक तस्वीर भी छपी है, और उसको सिर्फ मैंने इतना किया कि अटेंशन लोगों की ज़्यादा हासिल करने के लिए वहाँ से वहाँ पहुँचा दिया, या जैसे अशरफ भाई ने भी कहा कि स्लॉट खरीद लें आप, और खरीद के कुछ भी कह दें। मेरे ख्याल में जितना मैं आपकी बात को समझा, वो ये थी नहीं कि स्लॉट खरीद के आप उसमें आप प्रोग्राम चला दें। प्रोग्राम मेरा है, न्यूज़ एंकर मैं हूँ, या प्रोग्रामिंग मेरी है, और मैं बात आपकी कर रहा हूँ और पैसे लेके कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में मैं ये समझा था। सवाल ये नहीं है कि अखबार पैसा कमाता है या नहीं, उसको कमाना चाहिए, व्यवसाय है वो, नहीं तो कैसे बेचेगा वो? या टीवी चैनल है, उसको तनख्वाह देनी है, पैसे तो कमाने हैं, विज्ञापन जरूरी है, एडवर्टाइजिंग बहुत बड़ी ज़रूरत है, उसी के बेसिस पर आज अखबार इतने सस्ते हैं हिंदुस्तान में, या मीडिया में हम टीवी चैनल जो 800 चैनल हम देखते हैं, इतने सस्ते इसलिए पहुंच पाते हैं क्योंकि एडवर्टाइजिंग की वजह से उनका खर्चा निकलता है। मगर जो सूचना है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो लोगों तक जाती है, उस इन्फॉर्मेशन से जो छेड़छाड़ होती है, उस इन्फॉर्मेशन को जिस ढंग से कभी कभी पेश किया जाता है और उसमें लेके किया जाता है, और उसमें जैसी निष्पक्षता होनी चाहिए, न्यूट्रलिटी, वो नहीं होती। हम देख रहे हैं, हम देख सकते हैं, मतलब अगर आपने इलेक्शन के दौरान देखा होगा कैसे खबरें जो है या सूचनाएं कैसे मूड़ी जाती हैं इधर से उधर, वही खबर वही है, उसको क्या भाषा देते हैं, क्या जुमले इस्तेमाल करते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे एक तो जो सच्चाई है वो है, मगर कितने चैनल हैं, मैं सबके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मगर कुछ हैं वो सच्चाई है। अब वो सच को आप कैसे पेश करते हैं, उसका क्या संदर्भ है, किस कॉन्टेक्स्ट में पेश कर रहे हैं, और आप उसको कितना दिखा रहे हैं, आप अपनी मर्जी से जो आपका मकसद होगा TRP बढ़ाने के लिए, आप सूचना के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, उसमें कितना संतुलन है, आपने कितना बैलेंस रखा है दोनों पक्षों के बीच में, उसमें आपकी संवेदनशीलता कैसी है, आपकी जो सेंसिटिविटी एज ए चैनल, बिकॉज यू आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, आपको इतना गौरवपूर्ण जगह दी गई है कि आप चौथे खंभे हैं हमारे संविधान, ये मुल्क, क्योंकि इस मुल्क को जागरूक और सतर्क और विवेकशील रखने में
आपका अहम हिस्सा है, रोल है, तो जो जिम्मेदारी का एहसास है, जो दायित्व है, वो बहुत ही बड़ा है। मैं सिर्फ दायित्व की बात कर रहा हूँ, जिम्मेदारी की, कि आप अक्सर कभी कभी ऐसा मैंने देखा है कि मीडिया को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, और उसकी भी शायद मजबूरियाँ हैं। मैं ये नहीं कहता कि मजबूरियाँ नहीं हैं, क्योंकि प्रतियोगिता है, कंपटीशन है, टीआरपी की प्रतियोगिता है, और एक्सक्लूसिव के लिए कुछ भी किया जाता है। मैं उदाहरण दूँ साहब, 26/11 हुआ, हमारी मीडिया ने बिल्कुल दिल खोल के बिल्कुल सब जाहिर कर दिया, यहाँ तक कि पाकिस्तान में जो हैंडलर थे आतंकवादियों के, वो हमारी टीवी देख के इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। वहाँ उस वक्त मीडिया के दिमाग में ये बात नहीं आई। वो छोड़िए, कारगिल वार में एक बहुत बड़ी एंकर हैं, एक टीवी चैनल की, नाम नहीं लेना चाहता, वो बहुत बड़ा कवरेज करने गई थी, और उन्होंने हमारी एक जो आर्मी की चौकी थी उसका जो फुटेज दिखाया, उस फुटेज को देख के पाकिस्तान ने अटैक किया, वहाँ शहीद हो गए हमारे सिपाही। तो मैं इस दायित्व की, जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ। पैसा सबको चाहिए, आपको चाहिए, हमको चाहिए, मीडिया को भी चाहिए, नहीं तो काम कैसे होगा। मगर आप मीडिया हैं, आप साबुन तेल नहीं हैं, आप शैम्पू नहीं हैं, आप हेयर ऑयल नहीं हैं, आप मीडिया हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है पूरे देश की, समाज की। सच्ची बात। तो साबुन तेल शैम्पू हम खरीदते हैं, ठीक है, काम किया नहीं किया चलता है, मगर ये जो अंदर जाती है सूचनाएँ, और जिसका हमें नुकसान उठाना पड़ता है मुल्क को, समाज को, देश को, उसका कितना एहसास है मीडिया को, मेरी चिंता ये है। इसलिए मेरा मतलब था, जो नैतिकता है आपकी, आपको एहसास है अपनी जिम्मेदारी का कि नहीं, और है तो कितना है, मेरा मकसद सिर्फ इतना था। मैं कमलेश जी की तायीद करता हूं। मैं अभी की तरफ आ रहा था जी। नैतिकता यानी मोरल और मीडिया, इन दोनों में आपके हिसाब से क्या ताल्लुक है, और अगर है तो कितना है, और किस कोरिलेशन के हिसाब से इनके बीच में एक मिक्सचर बन के दुनिया के सामने आना चाहिए, आपकी क्या राय है? देखिए, बात तो बहुत सिंपल है कि जो क्लियर कट एड स्पेस है, चाहे प्रिंट मीडिया हो या चाहे कोई टेलीविजन चैनल हो, उसके अंदर जो एड स्पेस है, वो एड स्पेस में एड चल रही है, उसके अंदर भी कुछ मॉरल्स होने चाहिए। उसके अंदर भी ऐसा नहीं है कि विदाउट एनी मॉरल्स बस बेचना है तो कुछ भी करके बेचो। अब यहाँ क्या मामला है कि जब कंटेंट पर हम आते हैं, और जैसे कि कमलेश जी ने बताया कि इंडिविजुअल एक्टर से लेकर पॉलिटिकल पार्टीज तक कई लोग इस मीडिया को कंट्रोल करते हैं, लेकिन इससे ऊपर उठकर और बड़ा पिक्चर देखते हैं तो हम देखते हैं कि कई सारी लॉबीज हैं जो कई चीज़ें चाहती हैं कि वो प्रमोट हो सोसाइटी में। जैसे अल्कोहल की मिसाल आपने खुद दी, तो हम ये देखते हैं कि इसके अंदर हम सब क्या करें। इस्लाम ने तो ये बताया है कि ये सब चीज़ तो दूर की बात, पेड न्यूज़ देना दूर की बात, पेड कंटेंट उस तरह का कोई चीज़ को रिप्रेजेंट करना किसी न्यूज़ आइटम में, वो तो बहुत दूर की बात। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कफा बिलमरई कदीबन अन युहद्दिथ बिकुल्ली मा समिया, एक शख्स के झूठे होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि जो भी सुनता है बयान कर देता है। मतलब कि सुनने के बाद एक स्टेज होता है चेक करना, वेरीफाई करना वो चीज़ सही है गलत है, बिकाऊ होना वो तो बहुत दूर की बात है। बात यह है कि सिर्फ सुनी सुनाई बातें जो कई बार ब्रॉडकास्ट हो जाती है, कई बार जो कुछ न्यूज़ पर्टिकुलर मेथड से मिलती है उसे ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है, उसकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई किए बगैर, बाद में अगर पता चला कि कितने सारे लोगों को नुकसान पहुंचा, कितने सारे लोगों की इज्जत खराब की गई, धर्मों के ताल्लुक से गलत बात कही गई, लोगों के ताल्लुक से गलत बात कही गई, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न की बात है। कुरान की आयत है सूरह हुजुरात सूरह 49 आयत नंबर 6, या अय्युहल लदीना आमनू, ए ईमान वालों, इन जाकुम फासिकुन बिनबइन फतबयनू, अगर कोई फासिक, कोई ऐसा शख्स जिसके बारे में नोन है कि गलत काम करता है, कोई खबर तुम्हारे पास लेके आता है तो चेक करो। अब यहाँ ये जो खबरें पहुंचा दी जाती है, इससे बहुत बड़ा नुकसान है, और ये बहुत बुनियादी मोरालिटी है कि सच, जैसे कि बहुत राइटली कहा कि सच बात पहुंचे, सच्चाई पहुंचे, और ये सच्चाई का साथ देना ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि एक अच्छी सोसाइटी क्रिएट हो और सही मॉरल्स की तरफ एक सोसाइटी बढ़े। वेरी गुड। अच्छा अशरफ भाई, मैं आपकी तरफ आता हूँ। कमलेश जी ने कहा, भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि पेड अनपेड पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे हैं। कमलेश जी की बातचीत से एक बड़ी खूबसूरत बात, और जैद भाई की बातचीत से भी, जैद भाई ने भी उसी पर खत्म किया बात को, कि हमारे जिस्म को जिस तरह खाने की ज़रूरत है उसी तरह हमारे दिमाग को सोच की ज़रूरत है, और वो सोच सूचनाओं के ज़रिए और विजुअल्स के ज़रिए मीडिया हम तक पहुँचा रहा है या समाज तक पहुँचा रहा है, और उससे कहीं हमारे दिमाग को बदहजमी तो नहीं हो रही, कहीं हमारे दिमाग को जैसे पेट में फूड इन्फेक्शन हो जाता है, कहीं हमारे दिमाग में तो वो फूड इन्फेक्शन या सूचना इन्फेक्शन हो जा रहा है, आप क्या समझते हैं? देखिए, वो डिपेंड करता है आपके दिमाग के कैपेसिटी पे। वैसे जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, तमाम तर लोग दुनिया की बातें कर रहे हैं और उन सारी चीज़ों की बातें कर रहे हैं, और मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा कैसे, कैसे पता चला, मीडियम क्या है? मैं वही आ रहा हूँ, मीडियम वही मीडिया है, उसमें कुछ चीज़ें खराब हो सकती हैं, कुछ चीज़ें गलत हो सकती हैं,
लेकिन उसको पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं किया। सर मैं आपकी बात काट रहा हूं और इसी अभी की बात आप ही के लिए काट रहा हूं, रिजेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात इतने कर रहे हैं कि जो कुछ चीजें खराब हैं क्या इनका रेशियो बहुत ज्यादा नहीं, 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 वही मैं कह रहा हूं कि अगर रेशियो ज्यादा हो, देखिए अच्छे और खराब की तमीज कैसे होती है, आप हर अच्छी चीजों में कुछ बुराइयां जरूर होती और हर बुरी चीजों में कुछ अच्छाई होती, वो रेशियो जहां बुराई का ज्यादा हो अच्छाई का कम हो तो आप कहते हैं कि ये बुरा है, और जहां अच्छाई का रेशियो ज्यादा हो बुराई का कम हो तो आप ये कहते हैं कि अच्छा है। तो इसका मतलब ये दोनों चीजें हर जगह हैं मौजूद, लेकिन अच्छाई ज्यादा होने के बावजूद सिर्फ बुराई आप देखते रहे और कहें ये बुरा है तो वो बैलेंस नहीं होता, वो ऐसा लगता है कि वो सही नहीं, क्योंकि हम सारे लोग जो भी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं हमारे लिए मीडियम वही मीडिया है, उसी मीडिया के जरिए हम सारा इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। और ये दरअसल है क्या जैद भाई, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर बन के आए, पैगाम लेके आए, और वो खबर लेके आए थे इस दुनिया के लिए कि अल्लाह एक है और अल्लाह की इबादत करो, और बहुत सारे सहाफियों को ये खबर दे गए कि ये दुनिया तक पहुंचा दो कि अल्लाह एक है और उसी की इबादत करो, वही इस्लाम था, और वो सारी दुनिया में फैले और उन्होंने ये खबर पहुंचाई और जिन्होंने इस खबर पे यकीन किया वो मुसलमान हुए। जो हमारा विषय है रोल ऑफ मीडिया, तो हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जिम्मेदारी का एहसास, क्योंकि आप जो कह रहे हैं ठीक है वो हमारे अंदर भी है, ऐसा नहीं कि हम लोग बिल्कुल 100% परफेक्ट है, हर इंडिविजुअल में बिल्कुल है, वो बुराई सब में है, मगर चूंकि मीडिया का रोल इतना अहम है उसमें जैसे हम खाने में थोड़ा से भी मिलावट बर्दाश्त नहीं कर सकते, मालूम पड़ जाए कि ये एडल्टरेटेड है तब उस दुकानदार की उसकी अहमियत नहीं होती तो डिस्कस भी नहीं होता, उसकी अहमियत है इसीलिए डिस्कस हो रहा है। तो जो एडल्टरेशन मीडिया में आने लगा है और खासतौर से जो चिंता की बात यह है क्योंकि पहले नहीं था, गांधी भी पत्रकार थे, नेहरू भी थे, लोकमान्य तिलक भी थे, और उन्होंने ताकत यूज की, पत्रकारिता की ताकत आज़ादी के लिए इस्तेमाल की, आज़ादी के बाद भी कुछ लोग बड़े अच्छे पत्रकार हुए, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से इस्तेमाल किया। आज जो हम देखते हैं बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन, आज प्रतियोगिता इतनी बढ़ गई है टीवी चैनलों के बीच या अखबारों में, मतलब आज अखबार खोलिए पहला पेज आता है कि जो बॉम्बे के बिल्डर हैं उन्होंने सारे पहले पेज खरीद लिए हैं, पहले दो पेज तो उन्हीं के हवाले होते हैं, तब जाके कहीं नंबर आता है कि भाई अखबार की खबर मिलती है। इसमें कोई इतराज़ नहीं कि ठीक है अखबार को अगर उस दाम में बेचना है तो पैसे तो चाहिए, एडवर्टाइजिंग से आने चाहिए, वही एक तरीका है, फुल पेज तो कौन देगा, मगर सवाल ये कि अंदर जो बातें हैं, और एक और जो बात कर रहा था मैं प्राइवेट ट्रीटी, जी अब प्राइवेट ट्रीटी बात है, मैं बताऊं शायद आपको पता होगा अशरफ, मगर मैं बता देता हूं क्या है, डिफाइन करते हैं, हमारे हमारे ऑडियंस को बताइए, हिंदुस्तान के सबसे बड़े मीडिया हाउसेज में से एक, और ये सच्ची खबर है रिकॉर्डेड है, उन्होंने एक नया रास्ता निकाला एडवर्टाइजर से, बजाय कि रुपये पैसे लेने के, एडवर्टाइजिंग के पैसे लेने के, उन्होंने एक दूसरा डील किया कि आप अपनी कंपनी के इतने शेयर हमारे नाम कर दीजिए, शेयर पैसे नहीं शेयर। अब उन्होंने कंपनी ने एडवर्टीजमेंट रिलीज करने की एवज में अपने कुछ शेयर उनके हवाले कर दिए, 15 करोड़ 20 करोड़ में जो भी है, एक एक कंपनी ने किया, कंपनियों के नाम तक है। अब ज़रा इसके पीछे की देखिए क्या नीति क्या स्ट्रेटेजी क्या है। अब जो मीडिया हाउस है वो शेयर होल्डर है कंपनी में, जिस कंपनी का एडवर्टीजमेंट वो रिलीज कर रहा है, चाहे वो टीवी चैनल हो चाहे अखबार हो। अब उसका इंटरेस्ट ये है कि ये कंपनी फायदे में रहे, इसके शेयर के दाम बढ़े ताकि मीडिया हाउस को भी फायदा हो, और शेयर के दाम बढ़ाने के लिए क्योंकि मीडिया की ताकत इतनी बड़ी है वो कुछ भी कर सकता है, और किया उन लोगों ने किया, मतलब नाम लेना बड़ा मुश्किल है, मगर हुआ ऐसा, उस मीडिया हाउस ने जो मेरे आंकड़े हैं उस एक डील में 4,000 करोड़ कमाए इस डील से, ये प्राइवेट ट्रीटी से। लेकिन सर ये बताइए कि हाँ। क्या ये गलत है, क्योंकि आप जिस मीडियम से हैं, गलत नहीं, मैं उसी की बात कर रहा हूं, ये है कि अभी क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट है, ये डिस्कशन का मुद्दा हो सकता है कि क्या ये सही है या गलत है, नहीं उसका इन्वेस्टमेंट है, सवाल क्या है, तो उसमें वो उसकी जो सेवा है जो उसकी पत्रकारिता है वो बिना स्वार्थ के नहीं हो सकती, वो अपने शेयर का हिसाब किताब रखेगी कि यार मैं नुकसान ना, सर मैं पहले शेयर के भाव बढ़ते रहूं, मैंने पहले ही आपसे कहा चाहे वो अखबार हो चाहे वो किताबें हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इन सब जगहों पे मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, पैसा बहुत जरूरी है। देखिए एक बात तो सच है कि पैसा सब कुछ नहीं है,
लेकिन पैसा बहुत जरूरी, जरूरी है, बिल्कुल तो मनी इन्वॉल्व। देखिए वो खबरें दिखा रहा है जहां पे वो बाकी जगहों पे जहां टाइम स्लॉट देना होता था, और साथ ही साथ कॉरपोरेट हाउसेस की खबरें हम दिखाते भी हैं, उस हिसाब से दिखाते हैं कि ठीक है उसके फायदे ज्यादा दिखा देते हैं, नुकसान कम दिखाते हैं। ये बात सही है, हम उसके एडवर्टाइजमेंट के पैसे नहीं ले रहे हैं, उससे डील हो गई है, ठीक है आपने शेयर दे दिया, यू आर वन ऑफ द पार्टनर ऑफ दैट। मेरा सिर्फ ये पॉइंट था अशरफ भाई कि अगर मीडिया हाउस का इन्वेस्टमेंट है किसी कंपनी में तो क्या वो सच्चाई के साथ ईमानदार रह पाएगा? मान लीजिए ऐसा मौका आता, मैं नहीं कहता कि आता ही होगा या आएगा ही, जैसे कि उस कंपनी की कोई चीज़ है, कोई सामान है बाजार में जो कि उतना अच्छा नहीं है जितना कि होना चाहिए, जिसकी कीमत ले रहा है वो, अगर उसके बारे में ऐसी खबर निकलती है कि भाई पता नहीं ये कैसा है क्या है, क्योंकि इसका फ़ायदा उठा के, मतलब इल्ज़ाम मेरा कंपनी पर भी है, कंपनी को अभी पूरा इत्मीनान है कि अभी मेरे खिलाफ कुल मिला के ये कि अगर वो जहर बेच दे रहा है तब तो है वो गुनहगार है। हाँ, कि वो कंपनी जहर तो बना रही है और वो बेच रहा है तो वो गुनहगार। नहीं नहीं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कंपनी गैर जिम्मेदार हो सकती है क्योंकि उसको ये यकीन है कि अब मेरे खिलाफ कुछ छपेगा नहीं, तो वो कुछ भी बेचने को तैयार हो सकती है। आपसे सिंपल एक सवाल पूछूं, मैं इसको दूसरी तरह बोलता हूं, मैं एक अखबार निकालता हूं और आप उस अखबार के एडिटर हैं, क्या मेरे किए गए गुनाह को पूरी ईमानदारी से आप छाप पाएंगे? नहीं, मेरा सवाल। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, आप एकदम सही उस पे आए हैं कि यहाँ पे आपके गुनाह को वो छाप नहीं सकता। देखिए यहाँ पे क्या है, कॉर्पोरेट हाउस जो ओनर है उसके बाद फिर नीचे की तरफ आता है, ये एक स्टेप बाय स्टेप है, जो मालिक है वो चाहे वो चैनल का हो, अखबार का हो, कहीं भी हो, या कॉर्पोरेट हाउस फिल्मों का हो, उसके खिलाफ ना तो आप फिल्म बना सकते हैं, ना आप अखबार में लिख सकते हैं, और ना ही उसके चैनल में चला सकते हैं। बस इस पे नहीं, जरा इस पे ध्यान दीजिएगा, उसके अखबार में नहीं लिख सकते, उसकी फिल्म में नहीं डाल सकते, उसके चैनल पे नहीं चला सकते, लेकिन उसकी तमाम हरकत व सकनात आप दूसरे अखबारों में, दूसरे चैनलों पर, दूसरे फिल्मों में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सब कुछ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए नहीं, इसलिए वो इंडिविजुअल हो सकता है, आप उसको ओवरऑल नहीं कह सकते। मैं नहीं कहता कि ओवरऑल है, बिल्कुल नहीं, मैंने उदाहरण दिया एक। कमलेश जी जो बोल रहे हैं ये प्राइवेट ट्रीटी, यही आके बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है कि जहाँ पर एक मुजरिम इस नियत से कि मेरा जुर्म कल मैं खुद छुपा सकता हूँ, इस नियत से एक चैनल में या एक किसी भी मीडिया हाउस में अपनी हिस्सेदारी डालता है और बढ़ाता चला जाता है। आप भी जानते हैं, मैं भी नहीं जानता हूँ, नाम लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे ऐसे बिजनेस ग्रुप्स हैं जो बाकायदगी के साथ आज मीडिया हाउसेज में बाइंग करके घुस रहे हैं और घुसे हैं, और प्राइवेट ट्रीटी हो रही है, हम सब जानते हैं, ऑलमोस्ट हो रही है, और इस हद तक हो रही है कि लोग 49% तक पहुंचे, 50% तक पहुंच गए भाई। लोग वहां से भाग रहे हैं क्योंकि एक भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस मुल्क में एकाध को छोड़ के कोई भी प्रॉफिट में नहीं, सारे लॉसेस में। उसकी वजह ये है, प्रॉफिट एक मिनट बाद ही नहीं सुन रहा, खाली इसके भाग भी रहे। सुनिए बात, मैं आपके बिजनेस हाउस में, आपके मीडिया हाउस में पैसा प्रॉफिट के लिए लगा ही नहीं रहा हूँ, आपका लॉस भुगतने के लिए तैयार हूँ, मुझे तो आपको गवर्न करना है, मैं तो आज ले रहा हूँ, प्राइवेट ट्रीटी ये है सर, प्राइवेट ट्रीटी ये है कि मुझे आपके मीडिया हाउस में पैसा तो मैं अपने बिजनेस से कमा रहा हूँ अशरफ भाई, मुझे आपके मीडिया हाउस में 49% या 50% स्टेक इसलिए चाहिए कल मेरे खिलाफ खबर छापते हुए, बोलते हुए, दिखाते हुए आप थोड़े से घबराएं, आप थोड़े से डर जाएं, क्योंकि मैं आपका मालिक हूं। नहीं, क्योंकि शायद इसलिए भी आप नहीं आ रहे हैं क्योंकि अगर आपने कोई अच्छा काम किया तो भी दूसरा मीडिया उसको नहीं दिखा रहा है, और आप जो भी बुरे काम कर रहे हैं सबसे पहले दूसरा मीडिया आपको दिखा रहा है, वो एक आत्म सोच, आप वहां भी नहीं बच पा रहे हैं, ये भी दिखाए या ना दिखाए। मैं आपसे एक सवाल ये पूछूंगा कि क्या मॉरली ये करेक्ट होगा कि एड स्पेस के अलावा न्यूज में इंटरफेरेंस आए और जो सच्चाई के अलावा कोई और चीज रिपोर्ट की जाए, अगर मिसाल के तौर पर कोई प्रोडक्ट डेफिशिएंट है या कम है तो उसकी वो डेफिशिएंसी नहीं बताई जाए बल्कि उसको गलत बयानी की जाए या कोई बात को गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाए जस्ट बिकॉज वहां कमर्शियल इंटरेस्ट है, क्या ये एथिकली एंड मॉरली सही लग रहा है? नहीं, बिल्कुल गलत है, लेकिन एक सवाल आपसे भी है मेरा, ये बिल्कुल गलत है और मैं कभी नहीं कह सकता कि ये सही है, लेकिन दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर मैं जिस चीज को ओन कर रहा हूं, जिस फैमिली को ओन कर रहा हूं, क्या मेरी फैमिली के लोग मेरी बुराई कर सकते हैं? देखिए या आपकी... करते हैं क्या? मैं जिस अखबार का मालिक हूं, जाहिर सी बात है वहां मेरे खिलाफ नहीं लिखी जाएगी चीजें, लेकिन क्या आप दूसरे अखबारों में उनके बारे में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? मैं जिस चैनल का मालिक हूं उस चैनल पे खबरें नहीं दिखाई जाती मेरे मुतालिक, लेकिन क्या दूसरे चैनल के जरिए उनके बारे में आपको पता चलता है या नहीं चलता है?
इसका मतलब यह है कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि जर्नलिज्म सहाफत उसमें इस तरह की चीजें आ गई, मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो इसके बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन में, आपके सवाल का जवाब भी है। कुरान के अंदर एक आयत है सूरह निसा में, सूरह 4 आयत नंबर 135, इसमें अल्लाह ताला ने कहा, ए ईमान वालों खड़े हो जाओ इंसाफ के लिए गवाह बनकर, चाहे खुद के खिलाफ क्यों ना हो, यानी खुद का मीडिया हाउस है और इंसाफ की जो बात है मतलब खुद के खिलाफ क्यों ना हो, चाहे खुद के माँ बाप के खिलाफ क्यों ना हो, चाहे रिश्तेदारों के खिलाफ क्यों ना हो, चाहे अमीर के खिलाफ क्यों ना हो, चाहे गरीब के खिलाफ क्यों ना हो, तो सच्चाई के लिए तो खड़े होना होगा। और यही तो बात है ना, यही तो रियल जर्नलिज्म है जो आई थिंक कमलेश जी बोलने की कोशिश है। सवाल है यार, जी जी बिल्कुल, क्या ये सच नहीं है कि आज चाहे वो अखबार हो चाहे वो कोई चैनल हो, मार्केटिंग एडिटोरियल पे हावी होती है? क्या ये सच नहीं है? मार्केटिंग एडिटोरियल पे हावी होती है आज की तारीख में? एडिटोरियल बेचारा जो डिपार्टमेंट है एडिटर का, जो भी है, कोई मार्केटिंग वाला आता है कि नहीं भाई ये नहीं, ये करना है? नहीं देखिए 100% नहीं हो सकता है। मैं बिल्कुल रहा हूँ, मार्केटिंग एक अलग डिपार्टमेंट है, एडिटोरियल एक अलग डिपार्टमेंट है। ये हो सकता है कि मार्केटिंग वाला ये लाके कहे कि साहब मुझे पहले पेज पे एडवर्टीजमेंट चाहिए, पहले पेज पे चाहिए, तो एक्स्ट्रा पेपर इस्तेमाल करके जो आजकल चलन में है कि आप जितने भी बड़े अखबार हैं, मैं नाम नहीं लेता, जितने भी बड़े अखबार हैं आप उठाइए, उसके पहले दूसरे तीसरे पन्ने पे सिर्फ आपको एडवर्टीजमेंट ही मिलेगा। ये मार्केटिंग वाले ये जरूर कर सकते हैं, लेकिन मार्केटिंग वालों की इतनी नहीं चलती कि वो किसी खबर को गिरा सके और किसी खबर को उठा सके, पहली चीज। दूसरी चीज, बहुत सारे चैनल जो बड़े चैनल हैं वहां पे आप काफी परेशान हो जाते हैं ब्रेक में कि उनके पास एडवर्टीजमेंट चल रहा है तो चल रहा है, वो खबर आ ही नहीं रही है। ये मार्केटिंग वाले उस टाइम स्पेस में डालना चाहते हैं कि साहब ये प्राइम टाइम में ही डालेंगे, लेकिन प्राइम टाइम की खबरों को हटा देना और उसमें डाल देना वो उनके बस में नहीं होता है। और सर आपने जो कहा जैद भाई, बड़ी अच्छी बात कही जी, कि सच्चाई के लिए खड़े होना चाहिए, सच और झूठ का फैसला भी तो होना चाहिए कि सच क्या है और झूठ क्या है। और रहा सवाल कि भाई इस्लाम जो कहता है, जो मोमिन है वो इसे मानेगा और मानता है और उसी पे चलता है। नहीं, यहाँ सवाल यह है कि सारे इंसानों के लिए मॉरल सही क्या है। एक ये बात है कि सही क्या है वो हम एक बार डिफाइन करें, फिर उस तक पहुंचने की कोशिश करें। सही और गलत का एक यूनिवर्सल पैमाना है, यूनिवर्सल पैमाना है। उसके अलावा माजरत आपकी बात काट रहा हूँ मैं। अशरफ भाई, अभी जो सवाल किया कमलेश जी ने कि मार्केटिंग एडिटोरियल पे कितनी हावी है, मैं न्यूज़ चैनल की तो बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन बाकी एंटरटेनमेंट चैनल की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ सिंपल एक तरीका है, प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट एक प्रोग्राम तय करता है, हत्ता के करके खरीदता है, तो कोई भी प्रोग्राम फाइनल होने से पहले मार्केटिंग डिपार्टमेंट को जाता है कि भैया तुम इसको बेच पाओगे, कितने में बेच पाओगे, उस हिसाब से हम क्रिकेट में बिट करें जाके, उस हिसाब से हम इस प्रोग्रामिंग को तय करें, उस हिसाब से इसकी बजटिंग तय करें। और आप यकीन कीजिए कि यहाँ तक होता है कि आपकी कितना बड़ा क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन। मेरे सामने प्रोग्रामिंग हेड बैठे हैं, आपने तो चैनल चलाया है और जी टी वी को 6 लाख से और 6 करोड़ तक पहुँचाया है बिलिंग उसकी 90s में, तो बगैर मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अजीब ये कोरिलेशन है। मैं न्यूज़ चैनल के खुद ही कह दिया कि 6 लाख से 6 करोड़ तक पहुंचाया है, वो वही है। नहीं, वो इसलिए पहुंचाया कि मोनोपोली थी, पहला सैटेलाइट चैनल, वो एक अलग बात है। जावेद साहब एक बात आप जानिए, जितने भी चैनल, मैं बार बार वही बात आपसे कह रहा हूँ कि जितने भी चैनल हो, अखबार हो, चाहे वो इंफोटेनमेंट हो, चाहे वो इंटरटेनमेंट हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, वो लॉस के लिए नहीं आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिजनेस भी इंपॉर्टेंट है। इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं, हमारे लिए सवाल यह है कि सिर्फ मोरल के लिए नहीं सर, डिफरेंस हमारे लिए सवाल यह है कि क्या जायज तरीके से बिजनेस करने का कोई तरीका नहीं है? ये सवाल हो सकता है अशरफ भाई, सवाल ही है और इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक मिनट, सवाल ही है, सवाल ये है ही नहीं, बाकायदा पैसा चाहिए चाहिए। सवाल ये है कि एक चीज है एयर टाइम, ठीक है, स्पॉट बेचना है आपको, वो 2000 में बेचिए, 2 लाख में बेचिए, 2 करोड़ में बेचिए, आपकी अपनी सलाहियतें हैं। सवाल यह है कि वो जो आपके 21.5 मिनट का कंटेंट है जो आपने बनाया है, आपकी पूरी एडिटोरियल टीम ने बनाया है, वो प्राइम टाइम में चलना है, क्या हमें इसे बेचना चाहिए? देखिए, अपनी तनख्वाह पूरी करने, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक मिनट, इस बात को पूरी यूं कर दूं कि अगर मेरी एक दुकान है जहां मैं फोटो फ्रेम बेचता हूं और लोग मेरे से आके बहुत अच्छे अच्छे फोटो फ्रेम खरीदते हैं और मैंने आउट ऑफ रिस्पेक्ट वहां अपनी माँ की फोटो टांगी हुई है और एक आदमी आता है और मुझसे कहता है कि मैं 10 लाख रुपए दूंगा अपनी माँ की ये फोटो बेच दे, क्या मैं बेच दूं? एज गुड एज दैट। नहीं, ये सवाल आपने बहुत सही किया और जवाब भी उसी में शामिल है कि अगर आपने फोटो फ्रेम की दुकान खोली है तो ये सोच के खोली है कि मुझे यहां से मुआशियत,
पैसे कमाने, घर चलाने। सच्ची बात। आप इसलिए फोटो फ्रेम आपने नहीं खोलिया माजरत के साथ, क्योंकि वो इस्लामिक तौर पे जायज भी नहीं है, तो खैर उस मुद्दे पे मैं नहीं जाना चाहता, जैद भाई जवाब देंगे, लेकिन आपने ये सोच के खोली है कि मुझे यहां से पैसे कमाने, घर चलाने। मोरल उसमें शामिल है एक इंसान होने के नाते कि मुझे किस तरह की तस्वीरें बेचनी है और किस तरह की तस्वीरें नहीं बेचनी। ये हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। और आप ये जान लीजिए कि जिस तरह की सोच आपकी है वैसी ही दूसरों की हो, ये मुमकिन नहीं, वरना बुराई नहीं बिकती इस दुनिया में। कमले जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ अशरफ करीम साहब की बात लेके। सवाल यहाँ मेरी और आपकी सोच का ही नहीं, यहाँ यूनिवर्सल पैमानों का है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर हमारे मुल्क में न्यूडिटी नहीं बिकनी चाहिए, तो न्यूडिटी नहीं बिकनी चाहिए, इसमें मेरे और आपकी सोच का सवाल नहीं है। अगर मैंने फोटो फ्रेम की दुकान खोली है तो उसमें न्यूड तस्वीरें नहीं होनी चाहिए, या तस्वीरों की दुकान खोली है, वगैरह वगैरह वगैरह। हम आगे वहाँ पे आ रहे हैं कि क्या हम कंटेंट को बेच सकते हैं। बात सिर्फ न्यूज़ चैनल की नहीं है, बात अगर मैं बीइंग अ एंटरटेनमेंट चैनल, मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाऊँ जिस प्रोग्राम में कोशिश ये करूँ कि मेरे कैरेक्टर्स जो हों वो एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हों और वो इलेक्शन पर इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश कर रहे हों और मैं बाकायदा उस पर इन्फ्लुएंस लाने की कोशिश करूं, तो ये बेमानी नहीं होगी? बिल्कुल बेमानी होगी और ये काम भी नहीं करेगा, ये बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा। क्योंकि यहाँ तक एंटरटेनमेंट का सवाल है, ये इतना आसान विषय नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतनी वैरायटी है, इतनी अलग अलग लोगों की सेंसिबिलिटी है, सोच है, सरोकार है, कंसर्न है, हर तबका, एक साइकिल ठीक करने वाले से लेके और लिखे पढ़े आदमी तक जो PhD है, एक पूरा फैलाव है। राइट। और इतने धर्म हैं, मजहब है, इतनी भाषाएं हैं, इतने संस्कार हैं, इतनी कल्चर्स हैं, तो इस मुल्क में एंटरटेनमेंट सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम है। इसीलिए जाहिर है जो अमेरिका में चल सकता है, यहाँ बिल्कुल जरूरी नहीं कि वो चले, नहीं चले। वो उनकी सेंसिबिलिटी है, उनकी सोच है, उनके एक संस्कार है, उनका समाज है, उसके पीछे उनका पूरा इतिहास है, इतिहास है हमारे पीछे, हमारा पूरा इतिहास है, हम उसको इनकार नहीं कर सकते। यही वजह है। हाँ, लेकिन सवाल जो यहाँ पे उठता है वो यही उठ रहा है कि जो डिपेंड करता है ना, हर जगह अच्छाई और बुराई मौजूद है। I agree. हम घुमा फिरा के उन्हीं को, लेकिन अच्छे पहलू को देखिए। अशरफ साहब, अब मैं आपके पास एक बहुत अच्छे सवाल के साथ आने वाला हूँ, उससे पहले मैं जैद भाई के पास जाऊँगा। और बहुत देर पहले मैंने कहा था कि एक सवाल मुझे आपसे करना है, अभी आपने भी कर डाला कि वो जैद पटेल साहब बताएंगे। तो जैद भाई, ये हराम हलाल के हवाले से इन्होंने एक सवाल पूछा है, मैं जानना ये चाहता हूँ कि ये जो तस्वीरों का कारोबार है, कि पहली बात तो क्या ये मीडिया तस्वीरों का कारोबार है, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो आपका न्यूज़ हो या करंट अफेयर्स हो या कुछ भी हो, ये जो नफ्से मीडिया है, इसे इस्लाम किस नज़र से देखता है और इसे नाजायज़ और जायज़ कहने वाले लोगों में से कौन कितना सच है? देखिए, मैं चाहूँगा कि दुनिया के जो बताए हुए पर्सपेक्टिव्स हैं, हम उन्हें फिर से रीक्वेश्चन करें। यहाँ क्या होता है, कई बार लोग एक सोच अपना लेते हैं और उसी चीज़ को सही मानते हैं। मैं आप सबके सामने एक ऐसी बात रखना चाहता हूँ कि ये जो करंट ट्रेंड है एंटरटेनमेंट, टेलीविज़न, फिल्म्स, मैं बेसिस ऑफ एंटरटेनमेंट को क्वेश्चन करना चाहता हूँ। व्हाई डज अ पर्सन नीड एंटरटेनमेंट? एक बुनियादी वजह यह है कि उसे ज़िंदगी में मकसद नहीं होता। अब जब ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है तो ज़िंदगी का खालीपन जैसे कि काटने को आता है। अब इसमें बहुत एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है। अगर एंटरटेनमेंट नहीं होगा तो एक इंसान सफोकेटेड फील करेगा। तो ये एंटरटेनमेंट के अंदर जो चीज़ें आती है, कई बार ऐसा होता है कि एक इंसान अपने मालिक को भूल जाता है, क्योंकि मालिक को याद दिलाने वाली चीज़ें आपकी फिल्मों में होती भी नहीं है। आई एम टेकिंग ऑब्जेक्शन टू इट। जो नॉर्मल जो बात है, वो उसके रोल मॉडल और आइडियल्स ये फिल्म स्टार्स हो जाते हैं। फिल्म स्टार्स जो एक ऐसी कॉम और ऐसे, आप समझ लीजिए, ऐसे किस्म के लोग हैं जो पैसों के लिए अपने लिबास को भी उतारने तैयार है, पैसों के लिए कुछ भी करने तैयार होते हैं, और वो लोगों के रोल मॉडल्स हैं। हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन को पूछेंगे तुम्हें कौन सबसे अच्छा लगता है, तो एक फिल्म स्टार का नाम देगा कि मुझे वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। वो मरने के बाद की ज़िंदगी के ताल्लुक से कुछ उसे एहसास नहीं होता कि मेरी ज़िंदगी में मकसद क्या है। उसे हम देखते हैं कि ऑब्सिनिटी और कई सारे रॉन्ग चीज़ें, अल्कोहल, हीरोज शराब पीते हैं, तो क्या गलत है? ये नहीं बताया जाता है कि शराब से कितनी सारी बीमारियां होती है, शराब से कितने सारे घर बर्बाद होते हैं, कितने सारे सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, कितने सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो ऑफकोर्स ये चीज़ का सही इस्तेमाल हलाल होगा और गलत इस्तेमाल हराम होगा। अब मीडिया के अंदर कई सारे फॉर्मेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फिल्म मीडिया की बात करें, जो वीडियो मीडियम है, इसके ताल्लुक से बात करें, तो स्कॉलर्स जनरली दो तरफ गए हैं। कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि ये एक ऐसा मीडियम है जो एक स्टिल फोटोग्राफी के ताल्लुक से, कि भाई एक पर्सन ड्रॉ कर रहा है, तो वो ड्रॉ करना कई बार रॉन्ग चीज़ों की बुनियाद बनी है। कई बार ऐसा होता है कि लोग किसी की तारीफ करते करते करते, जैसे एक हिंदी में शब्द है भगवान और एक है भगवान, तो एक अच्छे इंसान की तारीफ करते 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 फाइनली उसकी वर्शिप करना शुरू कर दिया। ये एक इंसानों में ट्रेंड रहा है। तो जैसे वो चीज़ को कॉन्ट्रीब्यूट करने वाली चीज़ तस्वीर है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो तस्वीर बनाता है उसे क़यामत के दिन अल्लाह कहेगा कि इसमें जान डालो, नहीं डालेगा तो उसी जरिए से अजाब दिया जाएगा।
लेकिन क्या वीडियो टेप्स क्या ये उसमें आता है नहीं आता है? तो स्कॉलर्स दो तरफ गए हैं. एक तरफ ये है कि ये जो वीडियोग्राफी है या वीडियो रिकॉर्डिंग वीडियो टेपिंग है इसके अंदर जो इमेज है वो चले जाती है. जैसे मिरर के सामने एक आदमी खड़ा है और चला गया तो इमेज चली गई. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिरर में देखने से तो मना नहीं किया, हाँ वीडियो ड्राइंग से मना किया. ये हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है जिससे वो जो मिरर की इमेज है वो प्रिजर्व हो रही है. ये एक पर्टिकुलर व्यू है जो शेख इब्न उसैमीन और ऐसे दूसरे स्कॉलर्स ने बनाया है. दूसरी तरफ ऐसे स्कॉलर्स हैं जो कहते हैं नहीं ये मना है गलत है, लेकिन वो कहते हैं वो चीज़ को यूज़ किया जा सकता है कुछ लिमिटेशंस के साथ ताकि एक सही बात फैलाई जाए. तो इसकी कई सारी मिसालों के साथ में जैसे बिल्कुल सही बात कही थी कि उसके हार्म का पहलू ज़्यादा है या अच्छाई का पहलू ज़्यादा है उसको यूज़ करते हुए किया जा सकता है. लेकिन जनरली मैं क्वेश्चन करता हूँ ये जो एंटरटेनमेंट के फॉर्म्स जो हमारी सोसाइटी में मिलते हैं वी रियली हैव टू क्वेश्चन कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी फ्यूचर जनरेशन को क्या बना रहे हैं. और ये चीज़ का बिल्कुल असर होता है क्योंकि इंसान कुरान की आयत है खुलिकल इंसानु दईफा, अल्लाह कहता है मैंने इंसान को कमज़ोर बनाया है. तो कमज़ोर इंसान पर असर पड़ता है जो वो देख रहा है जो उसके सामने बार बार रखा जाता है. तो वो चीज़ का जब असर पड़ता है तो क्या हम इसके अंदर कुछ कंस्ट्रक्टिव फॉर्मेट्स, अब ये भी आई बिलीव किसी के लिए एंटरटेनिंग होगा, हम जो बातें कर रहे हैं भाई जो आपका एक व्यू है और जो आप कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं और जो बातें, ये भी किसी के लिए एंटरटेनिंग हो सकती है और एजुकेटिंग भी है. तो क्यों ना हम इस तरह के फॉर्मेट्स बढ़ाएं और लोगों में आम करें ताकि लोग उस चीज़ से कुछ सीख के भी जाएं, कुछ हासिल भी करें और कुछ दुनिया के अंदर ज़िंदगी में कुछ इजाफा भी हो. जो ऑब्सिनिटी आज हमारे माशरे में आम हो गई है देयर इज़ नो डिनाइंग इट कि फिल्मों का बहुत बड़ा हाथ है इस ऑब्सिनिटी को माशरे में फैलाने में. और बढ़ाते बढ़ाते वो कहाँ ले जाया जा रहा है, फाइनली कहाँ एंड होने वाला है और कहाँ पे जाया जा रहा है वो हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न कल्चर जहाँ ऑलरेडी पहुँच चुका है. वो बात सही से मैंने कहा ना कि जो हमारे मीडिया की जो जिम्मेदारी है जो दायित्व है जो मीडिया उसके प्रति जागरूक नहीं है, होशपूर्ण नहीं है, अवेयर नहीं है कि उसकी जिम्मेदारी है. मैं मानता हूँ, मैं अभी मानता हूँ कि मैं थोड़ा सा ओल्ड फैशन हुआ अपने मीडिया में, हमारी फिल्मों में हम ऐसी फालतू कुछ भी ऐसा खरीफ एंटरटेनमेंट के लिए हम कुछ नहीं कर सकते. आपने जिस तरह से कहा कि आप आउटडेटेड हैं, हाँ, कभी आपने सोचा कि आप आउटडेटेड क्यों हैं? उसकी वजह ये है, मुझे पता है, उसकी वजह ये है कि आप अपनी सोच इस सोच से नहीं मिला पा रहे हैं इसलिए आप आउटडेटेड. एक छोटी सी घटना है, मैं जी टीवी में क्यों गया जी जी, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है. मैं 1984 में राजीव गांधी का इलेक्शन कैंपेन कर रहा था, मैं एडवर्टाइजिंग में था उनकी तरफ से. तो एक दिन रात को हम लोग अमेठी में कॉफ़ी पी रहे थे और वो मीडिया के बारे में बात हो रही थी, क्योंकि मैं कुछ वीडियो फुटेज लेने गया था डीडी और वहाँ बेसमेंट में मकड़ी के जालों और गंदी के बीच वो आर्काइवल फुटेज पड़े हुए. तो मैंने कहा राजीव अगर मैं तुम्हारी जगह होता डीडी को कोर्ट में ले जाता, क्योंकि डीडी ने इस मुल्क के 38 साल बर्बाद किए हैं. 38 साल में डीडी चाहता तो इस मुल्क को ऐसा टीवी दे सकता था, 3 पीढ़ियाँ एक अच्छे टीवी पर बड़ी होती. जैसे हम फिल्मों में बड़े हुए 50-60 के दशक में, हमारी सोच हमारे आदर्श उनसे फॉर्म हुए हैं. और मैंने वो एग्जांपल दिया कि टीवी जो है ये फिल्म से भी ज़्यादा ताकतवर है, बेशक, क्योंकि ये रिपीटिटिव है और एडिक्टिव है. एडिक्टिव है जैसे आदत पड़ती है गुटखा की शराब की, टीवी की भी आदत पड़ती है. एडिक्टिव है और रिपीटिटिव है, इसकी ताकत का कोई हिसाब नहीं है. मैंने एग्जांपल दिया कि हॉलीवुड में टीवी आया 50s में, सन 50 के आसपास टीवी आया और 3 लड़के जो अमेरिका की पहली टीवी जनरेशन थे, लुकास, स्पीलबर्ग एंड कपोला, दे चेंज हॉलीवुड. मीडिया की ये ताकत है, मगर हमारे यहाँ मीडिया अपनी ताकत का इस्तेमाल जो करता है उसके पीछे कोई जिम्मेदारी का एहसास बहुत कम होता है. अच्छा मैं सबको रोकता हूँ और एक बहुत डिफरेंट और अलग तरह का सवाल करता हूँ. अशरफ भाई, हमने इंटरनेशनल मीडिया में एक बात सुनी है और उसका कहीं कहीं जिक्र हम हिंदुस्तान में भी देखते हैं, और वो ये कि मीडिया हाउसेस चलाने के लिए खबरें क्रिएट की जाती हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? कमलेश जी, बड़ा सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट सवाल है और इंटरनेशनल सवाल है. सवाल आपका वाकई में बहुत अच्छा है. खबरें कभी क्रिएट नहीं की जा सकती क्योंकि ये अपने आप में ही इंट्रोडक्टरी, मतलब खबर आप कैसे क्रिएट करें? खबर खबर है. खबर क्या है? हैपनिंग है. हैपनिंग किस तरह की है? दो तरह की है. एक तो ये कि आप कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं और वो समाज के लिए कितना इम्पोर्टेंट है तभी वो खबर बनेगा. अगर वो बहुत इम्पोर्टेंट है तो खबर है, अगर वो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो फिर आप ऐड की शक्ल में दे सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो समाज के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. तो कहीं कोई बड़ी चीज़ घट जाए, कोई घटना घट जाए, कोई हादसा हो जाए तो वो खबर है. हाँ इतना ज़रूर है जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होते हैं वो इन्वेस्टिगेट करते हैं चीज़ों को, खबरों के तह तक पहुँचते हैं. मुमकिन है कि वो खबर बहुत पहले हुई हो, वो दबी छुपी रही हो,
लेकिन खबर तो थी, लोग कहते हैं कि उसे क्रिएट कर दिया, क्रिएट नहीं किया, वो तलाश के लेके आया और आप तक पहुंचाया। क्योंकि देखिए प्रिंट में क्या है, प्रिंट में तो आप लिख देंगे, लेकिन जहां आप चैनल पे देख रहे हैं ना, ये जो जितने सवाल आपके जहन में आ रहे हैं, ये पेड न्यूज है और ये फला ऐसा है और ये वहां देखा था और उसने देखा इसलिए गोली मार दी और वो वैसा चल गया, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आप वो तस्वीरें देख रहे हैं, वो ऑडियो विजुअल आपके नजरों के सामने है, इसलिए जहन आपका काम कर रहा है और आप ये बता रहे हैं कि ये ऐसा हुआ। लेकिन जैद भाई से मेरा एक सवाल, एक मिनट मैं यहाँ आपकी बात को थोड़ा सा कंट्रडिक्ट करूंगा। मैं जिस प्रोस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल, बहुत ज्यादा नाम लिए बगैर मैं बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हम पिछले 10-20-30 सालों में इंटरनेशनल मीडिया और उसकी ग्रोथ और उसका रोल देख रहे हैं और उसे इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह के मीडिया को वेपन कहा जाने लगा है और वेपन की तरह इस्तेमाल भी किया जाने लगा है। जैसे मेरा एतराज़ है खबर क्रिएट करने वाली बात, दो एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, एक इंटरनेशनल और एक नेशनल। इंटरनेशनल एग्जाम्पल ये है कि इतना बड़ा टेररिस्ट, वो कभी भी उनकी कैसेट, एक वीडियो या ऑडियो कैसेट किसी एक चैनल पर रिलीज होती है और किसी एक खास मौके पर रिलीज होती है, उससे पहले ना उनका कोई जिक्र है, ना बात है, ना चीत है, ना कुछ है। एक मखसूस चैनल पर एक दुनिया का इतना बड़ा टेररिस्ट है जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है, अमेरिका में या किसी एक जगह कहीं कोई इलेक्शन है, उसके ठीक पहले वो धमकी भरा एक वीडियो जारी करता है और वो वीडियो एक मखसूस चैनल पे एक मखसूस वक्त पे दिखाया जाता है, उसके जितने फायदे उठाए जा सकते हैं वो वहाँ का सियासी या गैर सियासी माहौल वो फायदे उठा लेता है और वो सो कॉल्ड टेररिस्ट फिर कहीं किसी गार में जाके गुम हो जाता है, फिर 2-4 साल के बाद कोई ऐसा मकसद खड़ा होता है, उसके जस्ट बिफोर फिर कोई एक ऐसी कैसेट रिलीज होती है, फिर सो कॉल्ड उसी तरह के चैनल पे उसी तरह का एक वीडियो चलता है, फिर इन्फ्लुएंस करता है सोसाइटी को, फिर हो जाता है। ये खबर क्रिएट करना नहीं है तो क्या है, एक बात। दूसरी बात, इंटरनेशनल लेवल पे मैंने आपको बताया। तीसरी बात, हिंदुस्तान में आ जाइए, आज करंट जो कुछ चल रहा है उस पर आ जाइए। मैं शरीफ आदमी हूँ, आप शरीफ आदमी हैं, दोनों सियासत में, और दोनों सियासत में बड़े काम करना चाहते हैं और दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ हैं। मेरी और आपकी टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई है, मोरल और इमोरल। सवाल यह है कि वो इमोरल तो खुलने के बाद पता चलती है, आज जिस वक्त आप वो गुफ्तगू कर रहे हैं आपको इमोरल उमोरल नहीं पता, और जिस वक्त मैं उसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरी नीयत कितनी खराब है, जबकि मेरी आपकी दोस्ती है। नहीं, अभी कोई न्यूज नहीं बनी, वो सर मेरी आपकी दोस्ती है, मैं और आप एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं और इलेक्शन कैंपेन मनाने जा रहे हैं, उस वक्त अगर मैं आपकी की गई गुफ्तगू रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरे दिमाग में यह, कल मैं इसकी न्यूज बनाऊंगा। यानी आप इमोरल हैं और इल्जाम मीडिया पे, दोनों इमोरल हैं। नहीं नहीं, मीडिया पे इल्जाम, एक मिनट, मैं मीडिया पे, यहाँ मीडिया पे इल्जाम दे ही नहीं रहा, बात मीडिया की हो रही थी कि खबर क्रिएट करने की। सर मैं मीडिया पे इल्जाम नहीं दे रहा कतन, मैं ये कह रहा हूँ मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ इल्जाम मीडिया पे नहीं है। लोग, जाहिर सी बात है कि अगर खबर क्रिएट हो रही है तो उसमें मीडिया से ज्यादा उन लोगों का फायदा जिनके लिए क्रिएट हो रही है। अगर किसी टेररिस्ट का वीडियो जारी होता है किसी चैनल पे तो उसका फायदा किसको पहुंच रहा है? सर मैंने शुरुआती दौर में आपसे, इससे पहले जब ये सब शुरू हुआ था तभी हमने कह दिया कि बहुत सारी खबरें ऐसी होती हैं जो हम तक पहुंची नहीं होती हैं, और जब वो पहुंचती हैं और हमें लगता है कि इसका वाकई में इम्पोर्टेंस है, हो सकता है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि कभी कभी उसका नाजायज या गलत फायदा उठा लिया जाता हो, मैं इनकार नहीं कर रहा। अगेन सवाल पे वापस आ रहा हूं, लेकिन आप अशरफ करीम साहब अलग जा रहे हैं, आप फायदा उठाने पे मैं हूं ही नहीं। मेरा सवाल यह है कि फायदा लेने के लिए खबर क्रिएट किया जाना। सर ये खबर तो आपने बनाई है, ये खबर आपने, जैसे जैसे हमारे और आपके बीच बात हुई और आपने इसे रिकॉर्ड कर लिया, ये आपने रिकॉर्ड किया, ये आपकी जो भी सोच रही हो, घटिया या अच्छी, मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूं, लेकिन आपने वो हम तक पहुंचा दी। तो अब एक आदमी की छवि ऐसी है कि वो उसके बिल्कुल बरक्स है जिस तरह की वो बातें कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हमें ये लगता है कि ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए हमने वो पहुंचाई। ये आपने की अशरफ साहब, पहुंचाने की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं ये कह रहा हूं, मैं वहां इल्जाम अपने आप को दे रहा हूं, जहां अगर मैंने ये रिकॉर्डिंग की, हाँ, रिकॉर्डिंग करते वक्त मेरी सोच क्या थी, खबर क्रिएट करना इमोरलिटी थी, या वो वीडियो टेप बनाते वक्त जो जंगल में किसी जगह एक टेररिस्ट को खड़े करके वीडियो टेप बनाया जा रहा है, अगर वो वीडियो टेप बनाया जाना खबर क्रिएट करना नहीं है तो क्या है? ये आप इस तरह का सवाल उठा रहे हैं जैसे कि आपने ये फैसला सादिर कर दिया कि ये नहीं है तो क्या है? ये आप अंदाजा लगाइए, मीडिया के आदमी है भाई, आप लोगों के डिस्कशन सुनकर बोल रहा हूं, अंदाजा तो हर बात पे लगाया जा सकता है, हर खबर पे। सर 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 सर, कई बार जावेद साहब, कई बार ऐसा होता है कि जिस चीज को आप देखकर एनालाइज करते हैं, आपने जिस तरह से सोचा हो, जरूरी नहीं कि हमारी सोच भी वही हो। एडजेक्टिव से काम ले रहा हूं, दूसरे एडजेक्टिव से, मैं बड़ी अथॉरिटी के साथ बोल रहा हूं। मैं आपको फिर से सवाल दोहरा दूं कि एक सो कॉल्ड टेररिस्ट का वीडियो टेप मुसलसल, एक दो दिन नहीं, 2-4, 10-5 साल एक ही टीवी चैनल पे कुछ खास मौकों पे चलता है बस, और जिसका फायदा उठाया जाता है, आप ये बताइए ये मेरा ये ऑब्जर्वेशन सही है या गलत?
नहीं, आपका ऑब्जर्वेशन आपके हिसाब से सही हो सकता है। आप मुझे आप एफडी फॉर करते हैं। आपके ऑब्जर्वेशन को मैं सही या गलत कैसे? मैं आपसे आपकी राय पूछ रहा हूं भाई। ये तो आपका, मेरी राय ये है कि ये अगर आपका ये ऑब्जर्वेशन है और आप कोई ऑथोरिटी है तो आप इस पे, अगर मैं कोई लेमैन हूँ देख रहा हूँ, मैं मेरा ऑब्जर्वेशन मैं ये समझता हूँ कि लेमैन जो है, जो नाजरीन होते हैं, उन्हें कम से कम इतनी मैच्योरिटी पैदा करनी चाहिए अपने अंदर कि सिर्फ जो न्यूज चैनल्स जो न्यूज बना करके ले आए उसे ब्लाइंडली नहीं फॉलो करें, बल्कि खुद का एक वैल्यूएशन, जैसे कि हदीस बताई कि चेक करो, उसके चेक के मुताबिक से एक मिजाज बनना चाहिए, क्योंकि एक टाइप का वॉर है कि मीडिया को वॉर के वेपन की तरह यूज किया जाता है। मैंने कहा, पहले कहा कि मीडिया को इंटरनेशनल लेवल पे कंट्री के लोगों के ज़हन बनाए जाते हैं ताकि किसी कंट्री को जाके अटैक किया जाए, ऐसे बहुत कुछ होता है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम बहाव के साथ बहने की जगह कम से कम इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखे और खुद सोचे कि भाई आखिर में हो क्या रहा है। चलिए बेहतर है, मेरी बात आपने कह दी, लेकिन वो मैं वही उसी की हमें याद कर रहा हूं। अशरफ की बात बिल्कुल सही है कि मीडिया को भी फीड किया जाता है और कभी कभी मीडिया भी धोखे में आ जाता है। सर मेरा बुनियादी वजह से हो, नहीं मेरा मानता ही नहीं इस बात को, गलती नहीं हो सकती। नहीं नहीं, मेरा अशरफ भाई होती रही है। अशरफ भाई, मेरा बुनियादी सवाल ही ये है कि क्या मीडिया इन बनाई हुई खबरों से इन्फ्लुएंस हो जाता है या इस्तेमाल हो जाता है? मेरा अगेन वही है, और मैं इंटरनेशनल मीडिया के प्रोस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। एक चीज आप ये कह सकते हैं कि क्या खबरों को सेंसेशनल बनाया जाता है, ये अलग बात है। नहीं, ये अलग बात है, ये अलग बात, वो अलग बात है, वो आऊंगा सवाल पे मैं आपके पास, वो तो बनाया। आमतौर पर ये सवाल पूछा जाता है और ये अलग सवाल है कि साहब उसको सेंसिटिव बना के और ये उस तरह से कर रहे हैं। ये जो आप जो सवाल कर रहे हैं ना, ये अगर आप किसी एक चैनल के बारे में ये कह सकते हैं, एक ही चैनल का जिक्र आपने किया और उस एक ही चैनल पे बार बार चलता रहा है, ठीक है, वो सारे लोग जानते हैं। बातें तो बहुत तरह की, जो सोशल मीडिया है वो भी एक मीडिया है, उस सोशल मीडिया पे जाइए तो वहां आपको इन तमाम तर सवालों का जवाब मिल जाएगा जो आप जवाब चाह रहे हैं। लेकिन ये बात सच है कि कभी कभी मीडिया का इस्तेमाल कर लिया जाता है, मैं शुरू से कह रहा हूँ। सर आप इसी नोट पर रोक रहा हूँ, एक मिनट अशरफ साहब, इसी नोट पर रोक रहा हूँ। कमलेश पांडे जी, मैं आपसे इंटरनेशनल मीडिया के प्रोस्पेक्ट पे ही, क्योंकि इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, आपसे सवाल एक पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ पूरे गल्फ में जो अभी करंट हालात चल रहे हैं आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, उसमें मीडिया का जो रोल है और वेस्टर्न मीडिया का जो रोल है, किसी एक जर्नलिस्ट को पकड़ा जाता है या किसी एक पायलट को पकड़ा जाता है और उसको बहुत ब्रूटली टेररिस्ट ग्रुप के लोग मार डालते हैं, जला डालते हैं, सोशल मीडिया दुनिया भर के चैनल उस पर इतना फुटेज खर्च करते हैं, जो किसी हद तक किया भी जाना चाहिए, और हम सब लोग, दुनिया के तमाम लोग उन्हें बुरा भला भी कहते हैं, रोते गाते सब करते हैं। ऑन द कंटेम्परेरी एक हादसा, एक वाकया होता है, हादसा क्या, टेररिस्ट एक्ट होता है पाकिस्तान के अंदर, जहां 200 से ज़्यादा मासूम बच्चों को मार डाला जाता है, मारने वाले भी वही हैं, मरने वाले भी वही हैं, वहां कोई टेररिज्म एक्ट ऐसा दिख नहीं रहा जिससे इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू इंटरनेशनल कम्युनिटी को या वेस्ट को कोई बज़ाहिर फ़ायदा होता नज़र आ रहा हो। उसको इंटरनेशनल मीडिया पर इतनी छोटी सी जगह मिलती है, कि वो हादसा हम तमाम दुनिया के लोग मुश्किल से एक हफ्ता याद नहीं रख पाते और भूल जाते। क्या आपको इंटरनेशनल मीडिया के इस बर्ताव में कोई पार्शियलिटी नज़र नहीं आती? ये पूरी साजिश है, ये पूरी साजिश है इंटरनेशनल मीडिया की। अगर आप गौर करें, उनके शो देखते हों या अखबार पढ़ते हों फॉरेन के, अधिकतर हमारे बारे में सिर्फ बुरी खबरें ही छपती हैं। कभी भी अच्छी खबर हिंदुस्तान के बारे में छपी हो, बहुत कम, कभी कभी होती है, वो कैसे होती है मुझे पता नहीं, कभी कभी होती है, अक्सर बुरी खबर ही छपती है। हम लोग उनके लिए सिर्फ एक बाज़ार है जहाँ वो अपना सामान डंप कर सकते, और कुछ नहीं, उससे ज़्यादा हमारी कोई अहमियत नहीं उनके लिए। हमारी आबादी हमारी ताकत है, ठीक है, थोड़ी इकॉनमी अच्छी कर रही है, उनको थोड़ा लगता है यार हमारे यहाँ तो सब भूखे मर रहे हैं, मतलब इकॉनमी नीचे जा रही है, इनकी ऊपर जा रही है, चलो यहाँ इनको पकड़ो। एग्जांपल दूँ, अभी अखबार में खबर छपी कि पाकिस्तान के पास हिंदुस्तान से ज़्यादा एटॉमिक वेपन्स हैं। ये सिर्फ खबर नहीं है, ये पूरी साजिश है कि अभी हिंदुस्तान जो है वो भैया डर जाएगा, कमाल है, अभी अभी हमारे समझौते हुए हैं, बहुत न्यूक्लियर डील हुई है अमेरिका के साथ, जाहिर है कि हमें और एटॉम बॉम्ब बनाने पड़ेंगे अभी तो वहाँ यूरेनियम मर जाएगा। ये बच्चों का खेल है एक तरह से, कि उन्होंने एक फेंक दिया जुमला, आपसे ज़्यादा उसके पास, आपकी सबसे ज़्यादा चीन के पास है, आपसे ज़्यादा पाकिस्तान के पास, अब हम लगे पड़े हैं पीछे, बड़े बनाइए। और अब हम, हमारी नीतियाँ जो हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया है वो हमारी नीतियां भी डिफाइन करता है, हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी प्रोवोक करता है, डिजाइन करता है, उनकी लॉबी है, उनके लोग यहाँ घुसे हुए हैं हमारी सरकार में, जिनको वहाँ से पैसा आता है। बल्कि जो अखबार नवीस हैं, हमारे भी जर्नलिस्ट, उनकी तनख्वाह पे काम करते हैं, उनके लिए
जो सामान चाहिए उनको मुहैया करते हैं। ये पूरी बहुत बड़ी साजिश और कॉन्स्पिरेसी है जहां इंफॉर्मेशन को एज ए न्यूक्लियर वेपन यूज किया जा रहा है। जैद भाई, आपकी तरफ मैं आता हूं, आपको क्या लगता है ये जो इंटरनेशनल मीडिया है इसने तमाम दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल तैयार किया है और मुसलमानों को, दुनिया भर के मुसलमानों को और उन लोगों को जो मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं, जो मुसलमानों के साथ रहते हैं, मुल्क जैसे कि हिंदुस्तान है जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में साथ साथ रहते हैं, उनकी उनके दिलो दिमाग में एक राय बनाने की कोशिश की गई है कि इस्लाम इंसानियत के खिलाफ है, इस्लाम भी आतंकवाद का साथ देता है या इस्लाम सिर्फ लड़ाई झगड़े का नाम है। आप क्या समझते हैं कि ये मीडिया और मीडिया में बैठे लोगों की साजिश है या कुछ और है? बिल्कुल सही बात है कि इस्लाम और मुस्लिम्स को कई बार ब्लेम किया जाता है, कोई टेररिस्ट एक्ट होगा, इससे पहले के पता चले कुछ डिटेल्स क्या है इस एक्शन की, ये पता चल जाता है कि किया किसने है। और कॉमन बात है कि मुस्लिम्स को ब्लेम किया जाता है और बाद में कई केसेस में ऐसा हुआ है कि पता चला कि किसी और ने किया, इंटरनेशनली भी, हमारी कंट्री इंडिया में भी। अब जो ये कॉमन ट्रेंड है, और जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ प्रोटोटाइप्स पेंट किए जाते हैं, अगर मुस्लिम्स का पिक्चर नॉर्मली मीडिया में देखा है जैसे कि हमें लोगों के बयानों से पता चलता है, तो वो ये है कि एक मुस्लिम का एक पर्टिकुलर टाइप का पिक्चर होता है, वो कुछ गंदे किस्म के कपड़ों में होगा, थोड़ा अनएजुकेटेड किस्म का होगा, कई बार शराब या अंडरग्राउंड एक्टिविटीज या क्रिमिनल एक्शन करता हुआ होगा, और ये एक कॉमन माइंड में लोगों के बताया जाता है कि देखो मुस्लिम ऐसा होता है। हालांकि अगर आप देखें कि इस्लाम की टीचिंग्स क्या है, इस्लाम ने क्या सिखाया है, अमन के बारे में क्या सिखाया है, एक इंसान की जान बचाने के बारे में क्या सिखाया है, पड़ोसी की मदद करने के ताल्लुक से क्या सिखाया है, किसी का ख्याल रखने के ताल्लुक से क्या सिखाया है, क्या मॉरल्स है जो इस्लाम सिखाता है, इसमें हम देखते हैं कि कई तरह से, जैसे मिसाल के तौर पर जो इस्लाम में हराम एक्शंस है वो हराम एक्शंस करते हुए किसी मुस्लिम को बताया जाता है, इससे ताकि मुस्लिम माशरा जो इससे देख रहा है वो उससे मुतासर होता है, वो कहते हैं कि अच्छा ये मुस्लिम होते हुए गलत काम कर सकते हैं तो मैं भी गलत काम करूं। तो कई तरह से ये रॉन्ग मैसेजेस पहुंचाए जाते हैं मीडिया में और ये एक बहुत अफसोस की बात है। ऑफकोर्स इसके सोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहिए और तरीका है, लेकिन ये एक रॉन्ग चीज हो रही है, इसका एक एहसास भी होना बहुत रॉन्ग चीज हो रही है। लेकिन मेरा यहाँ सवाल ये है कि क्या इसके लिए जिम्मेदार खुद मुसलमान नहीं है, जिसने मीडिया को, अभी आपने खुद कहा कि दो स्कूल ऑफ थॉट है, जिसने मीडिया को, और अगर अशरफ करीम साहब के लफ्जों में कहूँ तो मीडियम को, एक शजर ममनुआ समझ के, एक हराम शह समझ के एक तरफ उठा के रख दिया और बाकी तमाम दुनिया इतनी आगे निकल गई कि उसको वेपन की तरह इस्तेमाल कर रही है, तो क्या हम खुद या हमारा समाज या हमारी आलमी बिरादरी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि सेकेंड थॉट जो स्कॉलर्स का है वो ये है, क्योंकि ये वेपन बना करके यूज किया जा रहा है तो बहुत जरूरी था कि कम से कम सच्ची बात, सही बात लोगों के सामने लाई जाए, ताकि हो सकता है सच्चे इंसाफ वाले जो लोग हैं वो सोचेंगे कम से कम, तो ये एक हमारी जिम्मेदारी है। बल्कि हम देखते हैं कि हमारे पास तो हमारी एक्सेलेंट मीडियाज है मौजूद, जुमा खुतबा एक बहुत बड़ा मीडियम है। अब जुमा खुतबा के अंदर हर कोई जुमा में जमा होते हैं, एक सिंगल पैम्फलेट नहीं बढ़ती, एक सिंगल पोस्टर नहीं बढ़ता है, लेकिन लोग मौजूद होते हैं, ये एक मीडियम है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरतुल विदा के मौके पर कहा कि लियुबल्लिग शाहिदुल गायब, सही बुखारी की हदीस है, जो मौजूद है वो जो नहीं मौजूद है उन तक पहुँचा दो, और उन्होंने कहा बल्लिगवानी वलो आया, पहुँचा दो मुझसे चाहे एक आयत क्यों ना हो। तो एक बात मालूम है तो पहुंचाओ, मतलब हर आदमी की जो जुबान है ना ये खुद एक मीडिया है। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतूत और लेटर्स भेजे तो उस जमाने की जो बेस्ट अवेलेबल मीडियम था कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेटर्स डिक्टेट कराए, वो अम्बेसडर्स के जरिए वो लेटर्स अलग अलग बादशाहों तक पहुंचाए गए, तो आज के जमाने की जो बेस्ट अवेलेबल मीडिया है क्या वो सच्चाई को पहुंचाने के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए थी? तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि मुस्लिम्स ने इस चीज के अंदर अपनी, ये बात कही जा सकती है कि दीनी मालूमात भी कम होने की वजह से और दीन से दूरी की वजह से दुनिया को ये खैर पहुंचाने से दूर रहे और मीडिया से दूर रहे, और ये चीज से बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान पहुंचा है दुनिया के अंदर। मुझे बहुत अशरफ करीम साहब की बेचैनी नजर आ रही है मुझे, इसलिए है क्योंकि जिस टॉपिक पे अभी चल रहा है हम लोग, बहुत जमाने से ये सवाल है और मौका मुझे मिल गया तो मैं चाहूंगा कि अगर आप कुछ क्लियर कर सके, क्योंकि फिक्र इस्लाम का जुज है और चार हिस्से उसके, कुरान हदीस इजमा और कयास, दो जो इम्पोर्टेंट हैं, कुरान और हदीस, हाफिज कुरान तब भी मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं, हदीसें याद कर ली गई थी बाद में, लेकिन हमें एक मीडियम मिल गया था, वो था पेन और पेपर, कि किसी तरह उसे लिख लिया जाए, तो कुरान को लिख लिया गया, एक शक्ल दे दी गई और हदीसें भी लिख ली गई, हालांकि बहुत बाद में हुआ है ये आपको भी पता है। क्या उस वक्त अगर कैमरे होते तो ये रिकॉर्ड नहीं किए जाते, किए जाते या नहीं किए जाते, ये मैं जवाब बहुत दिनों से देखिए, हम ये देखते हैं कि कई सारी चीज़ें, जैसे एरोप्लेन उस जमाने में नहीं थी तो हम उस ताल्लुक से जो इस्लामिक स्कॉलर्स है वो इज्तिहाद करते हैं, दे कम टू अ डिडक्शन एंड दे गिव अ वर्डिक्ट, जैसे कोकेन उस जमाने में नहीं था या ड्रग्स उस जमाने में नहीं थे, तो ना होने के बावजूद उसके ताल्लुक से एक वर्डिक्ट होता है
کہ کیونکہ شراب حرام ہے یا پھر کیونکہ زہر حرام ہے تو ڈرگس کے اوپر بھی حرام کا حکم لگے گا. اسی طرح جو ویڈیو کیمرہ ہے اس زمانے میں نہیں تھا نشہ جی نشہ چاہے وہ کسی بھی چیز سے ہو جائے. جی جی تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ویڈیو کیمرہ اس زمانے میں نہیں تھا ہم اس تعلق سے ایک ڈیڈکشن سے کنکلوژن تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن یہ بات ضرور ہے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ حدیث بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لکھی گئی اور اس بارے میں ایویڈنسز موجود ہیں. بلکہ ایسے کمپینینس ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ فوٹوگرافک میموری والے جنہوں نے اس میٹیکوس اور ایکوریٹ مینر میں اسے ریکارڈ کیا. مجھے یہی لگا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ بہت ہی بہتر میڈیم ہے کہ اس کو ایک کتاب کی شکل دے دی جائے اور یہ لوگوں تک پہنچے. جی کم سے کم اس بات میں ہم بالکل سہمت ہیں. تو ٹھیک اسی طرح یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنے کا میڈیم ہے اس لیے اس کا استعمال کیا جائے. اچھا نہیں میں اگر اپنی ذاتی رائے مجھے ایسا لگتا ہے میں قاضی نہیں کہ فیصلہ دے سکتا. بھائی قیاس کی حد تک اگر بات ہے اشرف کریم صاحب تو میں بھی بول سکتا ہوں کیونکہ آئی ایم ناٹ این اتھارٹی آن اسلام تو میں نہیں بول سکتا. جیسا کہ میں نے زید بھائی کی بات سے بات کو نکالا جیسا کہ زید بھائی نے کہا کہ اس وقت آئینوں میں عکس دیکھنا یا پانی میں اپنے آپ کو دیکھ کے بال بنانا داڑھی بنانے کا رواج تھا اور اسے منع نہیں کیا گیا. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ کرتے رہے. اور ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے بالکل ٹیکنیکلی ہم ڈیفائن کریں تو یہ کیمرہ ہمارا ٹیلی ویژن کیمرہ یا فلم کیمرہ جو ہوتا ہے یہ عکاسی کرتا ہے, تصویر نہیں کھینچتا, عکاسی کرتا ہے, عکس کو اپنے اندر پرزرو کر لیتا ہے اور اس کے بعد اس کو چلاتا ہے. کچھ بناتا نہیں, کریٹ نہیں کرتا. اس کے سامنے جو کچھ بھی ہو رہا ہے جو نیچرل ہے اس کی عکاسی کرتا ہے جیسے آئینہ کرتا ہے. آئینے میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ آئینہ پرزرو نہیں کر پاتا, یہ پرزرو کر لیتا ہے اور آئینہ اس کے بعد جتنی دیر تک ہے اتنی دیر تک دکھا پاتا, یہ بات تک دکھا پاتا. اب میں اس کو کنیکٹ ایسے کرتا ہوں کہ اگر اس وقت آئینہ تھا تو اگر اس وقت کیمرے ہوتے تو یہ میرے خیال میں شوٹ ہو رہا ہوتا. چلیے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہی تصویروں کا میڈیم ہے جو الیکٹرانک میڈیا اور وہ وہی پہنچاتا ہے لوگوں تک جو اسے دکھتا ہے. اچھا آئیے اب میرے خیال میں وقت کا تقاضا یہ ہے, گھڑی کی سوئیاں ہمیں اس طرف لے جا رہی ہیں کہ ہم اتنے اچھے اور خوبصورت پروگرام کو کہ انتہا تک یعنی اس کے خاتمے کی طرف لے کے جائیں. میں تمام مہمانوں سے 30-30 سیکنڈ کا ایک آخری ورڈکٹ چاہوں گا اور اس میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ آڈینس کو میسج دیں, میڈیا والوں کو میسج دیں, ان لوگوں کو میسج دیں جو میڈیا سے متاثر ہیں یعنی ہمارے عوام, وہ میڈیا کو کس طرح لیں اور کس حد تک لیں اور میڈیا کے لوگ اپنے عوام کو جو ذہنی خوراک دیں وہ ایسی ہو کہ اس میں کوئی انفیکٹڈ ذہنی فوڈ نہ ہو. شروع کرتے ہیں قبل جی سے. دیکھیے ایک سنگٹھن یا سنستھا ہے نیوز براڈ کاسٹنگ اسٹینڈرڈس اتھارٹی اینڈ اٹس ناٹ اے لیگل آرگنائزیشن. ان کا کام صرف یہ ہے کہ میڈیا کو دیکھنا اور کہیں کچھ اگر غلط ہو رہا ہے تو اس پہ ایکشن لینا یا سزا دینا, مگر جو سزا ہے وہ اتنی یا تو معافی ہے یا میکسیمم 1,00,000 تک کا جرمانہ ہے بس. اور وہ کوئی آج تک تو میں سنا نہیں کسی کو کچھ فائن ہوا ہو. مجھے لگتا ہے کہ ایک ریگولیٹر باڈی ہونی چاہیے جو انڈیپینڈنٹ ہو, فری ہو, فیئر ہو. وہ اگر کم سے کم کیونکہ سوال وی نیڈ اے فلٹر, جیسے کھانے کے معاملے میں ہر چیز پانی فلٹر کرتے ہیں, سامان کی صفائی کرتے ہیں, ایک فلٹر چاہیے کہیں نہ کہیں. اور ایسا فلٹر ہو کہ اس کے پاس ادھیکار بھی ہوں, قانونی ادھیکار بھی ہوں, تاکہ خوف کے لیے نہیں ہمارے اپنی فائدے کے لیے, کیونکہ اتنا اہم رول دیا ہے ہمارے سمویدھان نے میڈیا کو, چوتھا کھمبا بتایا ہے, وہ ہماری حصہ ہے زندگی کا ہوا پانی کی طرح. تو ظاہر ہے اس کے لیے ہماری اور سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ ایسا ریگولیٹر ہو جو خیال رکھے کہ بھائی جو جا رہا ہے سچ میں وہ اس کا کیا اثر ہو رہا ہے ہمارے سماج میں. رائٹ, کیونکہ ابھی تک ہم بات ہے کہ ہاں سیلف سینسرشپ ہے. رائٹ, اب اس کا کوئی مطلب نہیں ہے, سیلف سینسرشپ کا کوئی مطلب نہیں. آپ نے لگا دیا اسکرال کہ آپ کی کوئی شکایت ہو تو بھیج سکتے ہیں, شاید ہی کوئی بھیجتا ہوگا شکایت وغیرہ. کس سے پڑھا ہے, کون پڑھا تھا, چینل بدل دے تو کہیں نہ کہیں, کیونکہ یہ اتنی بڑی طاقت ہے میڈیا کی, یہ ضروری ہے کہ اس کو صحیح ڈھنگ سے استعمال ہو. اسے کملے جی کا کہنا ہے کہ ریگولیٹری سسٹم کی ضرورت ہے جو فلٹر کر سکے ہمارے میڈیا اور میڈیا کی خبروں کو, کیونکہ ریگولیٹری سسٹم جو ریگولیٹ کر سکے چیزوں کو. سینسرشپ ایک الگ چیز ہوگی جہاں کاٹ چھاٹ ہوتی ہے. بہرحال اشرف کریم صاحب آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو میڈیا کے حوالے سے, میڈیا کے یوز اور مس یوز کے حوالے سے میڈیا پیپلز کو, ہمارے ساتھیوں کو اور ہمارے عوام کو, ہمارے ناظرین؟ دیکھیں ناظرین ایک چیز تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حقیقت ماننی پڑتی ہے, منوائی نہیں جاتی. تو چاہے وہ کوئی بھی میڈیم ہو وہ آپ سے منوایا نہیں جا سکتا, یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں. ایک چیز ہے کہ سچائی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہیے. جھوٹ کے اگر آپ قاتل ہیں تو آپ فاتح ہیں, یعنی آپ ہمیشہ برائی پہ اچھائی کی جیت. یہ سبھی مذہب
ये पैगाम देते हैं। इसलिए हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहें और झूठ और बुराई के अगर आप कातिल बनते हैं तो बन जाएं, गुरेज न करें। सच्चाई का साथ दें और झूठ के कातिल बन के फाते कहलाएं। आइए जैद भाई, आपका आज का आखिरी वर्ड। मेरा ये कहना है कि हर जमाने के जालिमों का अपना मीडिया था। फिरौन के पास भी अपना मीडिया था। उसने मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को कह दिया था ये उस जमाने के टेररिस्ट, लेकिन रहे हैं लोग और रहते रहेंगे, जमाने में आते रहेंगे, जाते भी रहेंगे। लेकिन कुरान की आयत है सूरतुल इसरा की, सूरह 17 आयत नंबर 81, वकुल जाल हक व ज़हक अल बातिल, कहो हक आ गया है और बातिल मिट गया है। इन अल बातिला काना ज़हूका, क्योंकि बातिल को तो मिटना ही था। मैं तो एक बहुत रेडिकल सी बात कहकर जाऊंगा और वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम इंसान हैं, हम इंसानों पर मीडिया का असर होता है, डिनाई करना बंद करें। और जब होता है तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को अच्छे मीडिया से एक्सपोज करें और गलत मीडिया से बचा ही लें टोटली। एक हदीस पढ़ूंगा और ख़त्म करूंगा। सही बुखारी की हदीस है, मसलुल जली से सौले वल जली से सू कमसली साहिबिल मिस्क वकीरिल हद्दाद, अच्छे दोस्त की मिसाल और बुरे दोस्त की मिसाल ऐसे है जैसे इत्र बेचने वाला और लोहार की भट्टी। इत्र बेचने वाले के पास से या तो इत्र खरीद लेगा आदमी या तो कम से कम खुशबू लेकर आएगा, और लोहार की भट्टी या तो कपड़े जल जाएंगे या तो जिस्म जलेगा, कम से कम बुरी हवा लेकर आएंगे। बुरी मीडिया की मिसाल लोहार की भट्टी की है, तो अपने आप को लोहार की भट्टी में मत डालिए। वहां डालेंगे तो वो चिंगारियों से जिस्म जलेगा, कपड़े जलेंगे, कम से कम बुरी हवा लेकर आएंगे। जैसे कहा जाता है जैसी संगत वैसी रंगत, तो ये बुरी मीडियम से बचना हम सबके लिए जरूरी है। और अच्छे मीडिया और मॉरल मीडिया और वो मीडियम जिससे कि हम कुछ सीखें जिंदगी में, और फजूल के एंटरटेनमेंट के चक्कर में अपने मॉरल को खो बैठते हैं, अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को बर्बाद कर बैठते हैं, तो वैसी चीज से बचना ही बेहतर है, क्योंकि वो हकीकत में लोहार की भट्टी है। दोस्तों, अच्छा मीडिया और बुरा मीडिया, लोहार की भट्टी और इत्र फरोश की दुकान। मीडिया एक जिम्मेदारी का नाम है। मीडिया एक खबर, एक वाक्य को बहुत ईमानदारी के साथ आप तक, नाजरीन तक पहुंचाने का नाम है। मैं पैगाम देना चाहूँगा मीडिया और मीडिया से जुड़े हुए लोगों को कि वो अपनी जिम्मेदारी को इतनी ही ईमानदारी से निभाएं जितनी ईमानदारी से निभाने की ज़रूरत है। और मैं पैगाम देना चाहूँगा आवाम को, नाजरीन को, कि ये सब कुछ आपके हाथ में है। आप अच्छी खबर देखना चाहते हैं तो देखिए, आप बुरी खबर नहीं देखना चाहते तो कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता। सेंसेशन के लिए और चौंकने और हंसने और मुस्कुराने के लिए खबरों को या टेलीविज़न चैनल्स को या मीडिया को मत देखिए, सच्चाई जानने के लिए देखिए। और इन दो लाइनों के साथ मैं आज के इस खूबसूरत टॉपिक को ख़त्म करता हूँ कि हादसा फिर कोई होने को है दुनिया वालों, हादसा फिर कोई होने को है दुनिया वालों, हमने हालात के माथे पे शिकन देखी है। खुदा के वास्ते हालात के माथे की शिकन को पहचानिए और हादसों को होने से रोकिए। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली बार इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए।